तो चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह के फैसले लेना ठीक नहीं है, तो वहीं भाजपा कह रही है कि ये देवभूमि है, इसीलिए यहां सिर्फ उन्हीं लोगों की एंट्री होनी चाहिए जो धार्मिक भावना रखते हैं। वेरिफिकेशन देखिए उत्तराखंड में जरूरी है, क्योंकि हमारा राज्य एक मैं कहूँ कि धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का केंद्र है, गंगा का प्रदेश है। अब यहाँ प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई सेना में है, दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे यहाँ पर लगी हुई हैं, तो यहाँ का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। यहाँ पर शांति रहनी चाहिए, कानून व्यवस्था रहनी चाहिए, और जो यहाँ का हमारा एक कल्चर है वो बना रहना चाहिए, उसको लेकर हमने कहा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। क्या आप चार धाम यात्रा जो आस्था का प्रतीक है उसको भी आप सांप्रदायिकता में तब्दील करने की का प्रयास कर रहे हैं, या वेरिफिकेशन इस मुद्दे पर हो रहा है कि आपको आईबी से या होम मिनिस्ट्री से किसी तरीके की सूचना मिली है? अगर इस तरीके की कोई सूचना मिली है तो आप वेरिफिकेशन करा रहे हैं तो उसका स्वागत है, लेकिन अगर आप इस आस्था के पर्व को भी जाति धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं तो ये देश और प्रदेश के लिए बिल्कुल उचित नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उन पे गैर जो हिंदू हैं उनको आने पे प्रतिबंध होना चाहिए, और अगर कोई आता है तो हमारे यहाँ टीका चोटी लगा के अगर आए, तिलक लगा के आए और हमारे प्रतिबंध हुए आए तो तब जाके स्वीकार होना चाहिए। खाली सैर सपाटा करने के लिए नहीं आना चाहिए, और उन्हीं लोगों को यहाँ पर आना चाहिए जो हमारे धर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं। चारधाम में गैर हिंदुओं का वेरिफिकेशन करने के सरकार के फैसले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बद्री केदार मंदिर समिति ने भी फैसला जो लिया लेने की बात है उसका स्वागत किया है। हम लगातार कहते आए हैं कि जो उत्तराखंड है इसकी देवभूमि के रूप में एक पहचान रही है सनातन काल से, ये ऋषियों मुनियों की तपस्थली के रूप में इसका वर्णन मिलता है। यहाँ सैकड़ों अनगिनत संख्या में यहाँ पर देवालय स्थित है, तो जो हिंदुओं की श्रद्धा आस्था के केंद्र माँ गंगा और माँ यमुना का उद्गम स्थल ये है, तो इसलिए इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व को देखते हुए, इसके साथ साथ क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र भी इस प्रकार के इस प्रदेश में कुछ विशेष प्रावधान होने चाहिए। इस बयानबाजी से इतर चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही इस बार तीर्थ यात्रियों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। केदारनाथ धाम के पास बनी ध्यान गुफा को लेकर भी तीर्थ यात्रियों में काफी क्रेज है। यही वजह है कि अभी से ही गुफा की मई और जून महीने की बुकिंग फुल हो चुकी है। ये तस्वीर उस समय की है जब पीएम मोदी केदारनाथ धाम आए थे और उन्होंने ध्यान गुफा में एक रात बिताई थी। उसके बाद से ही केदारनाथ की ये ध्यान गुफा चर्चा में आ गई थी। आलम ये है कि अब ध्यान गुफा में मई और जून महीने तक बुकिंग फुल हो चुकी है। उस गुफा के संदर्भ में काफ़ी लोगों को उसके संदर्भ में उत्सुकता भी है और वो लोग एक नया अनुभव करने के लिए वहाँ पर ज़रूर आना चाहते हैं। उसके बाद उस एक गुफा के बाद और दो गुफाएं बनाई हुई थी और वो भी अभी हम लोग कमर्शियल तौर पर उपलब्ध करा देते हैं, और इस बार की जो मई माह की पूरी बुकिंग हो गई है इन तीनों की तीनों गुफाओं में, और जून माह की लगभग बुकिंग जो है वो फुल हो गई है। इसमें 2018 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने केदारनाथ में ध्यान गुफा का निर्माण किया था जिसका संचालन गढ़वाल मंडल विकास निगम कर रहा है, मगर जब से पीएम मोदी ने इस गुफा में ध्यान किया तीर्थ यात्रियों में इसमें ध्यान करने का क्रेज बढ़ रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब केदारनाथ पधारे थे तो वहाँ पर एक गुफा में बैठ करके उन्होंने साधना की थी। ये ध्यान गुफा में ध्यान करने से आज इसकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई है, बहुत ज़्यादा ये प्रचारित हो गई है और जून तक उसकी बुकिंग हो गई है। इसी प्रकार की और भी गुफाओं का हम निर्माण कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि बुलंदियों तक हमारा जो टूरिज्म है उन्होंने पहुँचा दिया है। इस गुफा में साधना के लिए तीर्थयात्रियों को एक रात के 3,000 रुपये चुकाने पड़ते हैं। गुफा में एक समय में एक ही यात्री के रुकने की व्यवस्था की है। इस बार ध्यान गुफा का किराया भी बढ़ा दिया गया है। बावजूद इसके इस ध्यान गुफा को लेकर तीर्थयात्रियों में जबरदस्त क्रेज है। यही वजह है कि मई और जून महीने तक ध्यान गुफा की बुकिंग पूरी तरह से फुल हो चुकी है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।